बीमार होते हैं, होते रहे हैं, कॉमन सेंस की हत्या कर दी। बोलते भाई बीमारी आ रही है। अच्छा कैसे पता लगा? कि बिल गेट्स की मीडिया बता रही है। अच्छा मीडिया बता रही है, पहले मीडिया बता रही है, टेलीविजन में पहले आ रहा है, प्रधानमंत्री बाद में बोलता है, मंत्री बाद में बोलते हैं, डॉक्टर उसके बाद बोलता है। मतलब कितना कमाल है। डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर कहता है भाई मेरे को तो पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। अच्छा वो एक्सपर्ट्स कौन है? इस टास्क फोर्स में एक्सपर्ट्स कौन है? डर्मेटोलॉजिस्ट, एनेस्थीसिया वाले, जिनको वायरोलॉजी से कोई लेना देना नहीं, वो एक्सपर्ट्स हैं। अच्छा जी फिर बीमारी कितनी बहुत खतरनाक है। कितनी खतरनाक? अमेरिका में लोग मर रहे हैं, इंग्लैंड में मर रहे हैं, ब्रिटेन में मर रहे हैं, हमारे पड़ोस में तो नहीं मर रहे हैं। तू पागल है क्या? टेलीविजन झूठ थोड़ी बोलेगा, प्रधानमंत्री झूठ थोड़ी बोलेगा। अरे मेरे आसपास कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, टेंशन नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन आ जाएगी, अब टेंशन मत लो थोड़े दिनों में। पता कैसे लगेगा बीमार हूं मैं? तुमको टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा मेरे शरीर में सिम्टम पता चल जाएंगे ना, क्योंकि साइंस और विज्ञान और कॉमन सेंस तो ये कहता है कि जब मैं बीमार होऊंगा तो मेरा शरीर मुझे बता देगा कि तेरे को शरीर के कौन से हिस्से में दिक्कत है। बोला ना, कई बार सिम्टोमेटिक होता है। पता कैसे चलेगा? कि तुमको एक टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा टेस्ट तो पूरा 100% फुल प्रूफ होना ना, वो वैसे इस बीमारी के पता लगाने के लिए नहीं है, वो तो कुछ और डायग्नोस करने के लिए था। फिर 100% प्रूफ भी नहीं है, नहीं, फॉल्स नेगेटिव भी दे देता है। फॉल्स नेगेटिव दे देता है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं बोल रहे हैं, फॉल्स नेगेटिव देता है। पॉजिटिव तो पक्का पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव। अच्छा मैं बीमार नहीं हूं, सिम्टम नहीं है, नेगेटिव भी आ गया, फिर तो मुझसे किसी को खतरा नहीं है। नहीं नहीं तुम बीमार नहीं हो, लेकिन तुम कैरी कर सकते हो। अच्छा बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है? 1000 गुना आपकी इम्यूनिटी है बच्चों की, बच्चों को नहीं टेंशन है कुछ भी ना इसकी। कहते नहीं बच्चों को बीमारी नहीं होती है, लेकिन बच्चे कैरियर हैं, वो बुजुर्गों को कर देंगे, वो बुजुर्गों को मार देंगे। इसलिए बुजुर्गों को और बच्चों को दूर रखो, क्योंकि बुजुर्गों के पास ज्ञान है। अगर गलती से बैठ गए तो दे दिया तो पता चल जाएगा कि ये 1918 में भी यही षड्यंत्र हुआ था, पता चल जाएगा कि पहले भी होता आया लगातार आप लोगों के साथ। क्या बात करते हो यार, चलो मान ही लेते हैं। इतना टेलीविजन, इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, कॉलर ट्यून भी लगा रखी है, बैनर्स भी हैं, पोस्टर्स भी हैं, 24 घंटे सारे नेता बोलते हैं। जब भी लोगों में थोड़ा सा डर थोड़ा कम होने लगता है तो नेताजी फिर क्या देते हैं, मैं क्वारंटाइन हो रहा हूँ भाई, जो जो मेरे संपर्क में आया जल्दी से टेस्ट करा लो क्योंकि मेरा पॉजिटिव आ गया। क्योंकि बड़े नेता की अखबार में छपती है, टीवी में आती है, लोग सोचते हैं इतना बड़ा आदमी थोड़ी ना झूठ बोल रहा होगा। उनको क्या पता कि बड़ा आदमी झूठ बोलता है, गरीब आदमी झूठ नहीं बोलता भाई, उसे कुछ लेना ही नहीं है किसी से। अब वो बोलते हैं कि तुमको क्या करना पड़ेगा, कि एक दवाई बनाई है। अच्छा डॉक्टरों ने बनाई है? नहीं, डॉक्टर का तो आज तक पता ही नहीं है किसने बनाई, किसी वैज्ञानिकों ने बनाई, वैज्ञानिकों की टीम ने बनाई। यार कुछ तो नाम होगा उस वैज्ञानिकों की टीम का, भाई वैज्ञानिकों की टीम का तो पता नहीं, पर उनका मालिक बिल गेट्स है। अच्छा और पता चलता है कि जिस वायरस के नाम के प्रोपेगेंडा आ रहा है, उस वायरस का मालिक भी वही है। यार बीमारी का भी पेटेंट होती है क्या? बीमारी का वायरस भी पेटेंट, उसका इलाज भी पेटेंट, और उसका मालिक कौन? बिल गेट्स। वो बिल गेट्स वाली जो दवाई थी उससे ठीक हो जाओगे क्या? हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता। अच्छा फिर तो साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, पॉजिटिव तो नहीं आएगा ना उसके बाद? कहता आ सकता है। फिर क्या फर्क है? बोला उतनी पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं आएगा। अच्छा कोई नुकसान तो नहीं है ना उसका, कि 1,00,000 में 1 आदमी नुकसान है, ऐसा बनाया गया नैरेटिव कि 1,00,000 में 1 आदमी को नुकसान है। अच्छा वो 1,00,000 अगर मैं हुआ और मैं घर में कमाने वाला हूँ, कुछ तो गारंटी लेगी ना सरकार, कोई कंपनी, कोई जो दवा बना रही है, जो इंजेक्शन बना रही है, वो कंपनी तो गारंटी ले लेगी ना भाई, 1,00,000 में 1 है, कोई ज्यादा नहीं है, तो तुम लोग, तुम्हारे को घर वालों की टेंशन नहीं है, इतना पैसा तुमको मिल, नहीं पैसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये तो वॉलंटरी है। अच्छा वॉलंटरी है, चलो फिर मैं नहीं लगवाता हूँ क्योंकि इसमें खतरा है। अरे नहीं लगवाना चाहिए क्योंकि इससे पॉजिटिव भी आ रहा है यार, आप इससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ना, नहीं पता इससे मर भी सकता है क्या? हम मर भी सकता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से नहीं मरेगा। ये वर्ड सुने हैं हमने डॉक्टरों के मुंह से कि इतना क्रिटिकल सिचुएशन होकर नहीं मरेगा। यार कैसे भी मर रहा हो, एकदम मरे के क्रिटिकल होकर तुम मार ही रहे हो ना। और उसके बाद ये बोलते हैं कि चल ठीक है वॉलंटियर है, मैं नहीं लगवाता हूं। वो बोलते हैं ना लगवाना तो तुमको पड़ेगा, क्योंकि तुमको फिर स्कूल भी जाना है, पेपर भी देने हैं, सचिवालय में भी काम है, बस में, टैक्सी में, सब जगह पूछा जाएगा। तब गड़बड़ समझ में आएगी ना भाई, धक्काशाही नहीं चलेगी, देश के मालिक जनता है, जनता सरकार, तुम मालिक नहीं हो, तुम नौकर हो। इसीलिए हमने हरियाणा में फिर लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, जिन लोगों से लंबी मुलाकात थी उनको बताया कि भाई देखो ये खेल चल रहा है, तुम्हारी औलादों की बर्बादी तय है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यार सरकार इतना बुरा क्यों चाहेगी, पूरी दुनिया में ये ऐसा चल रहा है, फिर ये इतने बड़े जो ज्ञानी, कोई भी ज्ञानी नहीं है भाई, सारे साइंटिस्ट, सारी मीडिया, सारे धर्मगुरु, सारी पॉलिटिकल पार्टी, सारे एनजीओज, हर कोई कमाल की बात। देखो गेम, आप उस वक्त का दौर याद कीजिए जब 2020 में इस प्रोपेगेंडा को लाया गया था, आपकी आरडब्ल्यूए, आपकी मार्केट एसोसिएशन, आपकी मंडी एसोसिएशन और आपकी यूनिवर्सिटीज के चेयरपर्सन और बाकी जगह, सब जगह सरकार जिसकी है उस पर्टिकुलर राज्य में, उसका आदमी बिठाया गया था। पहले कोई बोल ही नहीं रहा था सरकार के खिलाफ, वो आपको ये नैरेटिव दिखाने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये तो जो है ना सरकार आपके साथ गलत नहीं करेगी कभी भी, इस तरह का माहौल बनाया उन लोगों ने। और कोई नहीं बोला तो फिर हम लोगों के बीच गए कि तुम्हारे बच्चे हैं, उनकी जान खतरे में है, तुमको खड़ा होना पड़ेगा। जब वो फैक्ट हमने उनके सामने दिखाए, सबसे पूछा, सबने पूछा चाहते क्या है वो लोग, मैंने कहा ये चाहते हैं कंट्रोल होना चाहिए हमारा, हम जो कहेंगे वो करना पड़ेगा, जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा,
और खाना पीना चलना उठना बैठना हगना मुतना सब हमारे हिसाब से होगा। हम कहेंगे तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे।